आज हम बना रहे हैं अंगूर की व्रत वाली चटनी। इसको हम व्रत किया हो तो भी बना के खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। हमने अंगूर धो के ले लिया है और मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, सेंधा नमक लिया है, चीनी ली है, थोड़ी सी किशमिश ली है और देसी घी बनाने के लिए लिया है और पानी। अब हम अंगूर को बीच से ऐसे करके दो भागों में काट लेंगे। ऐसे करके मैंने सारे अंगूर काट लेने हैं। अब हमने अंगूर को काट लिया है, अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। अब हमने कढ़ाई गर्म कर ली है, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने देसी घी लिया है। अब ये हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा। अब ये हमारा देसी घी पक गया है, अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने अंगूर काट के लिए हैं। मैं इनको थोड़ी देर तक भून लूंगी इसमें देसी घी में। ये हमारे अंगूर अच्छे से इसमें भून गए हैं, देखो कलर भी अलग हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा पानी, इसमें पानी लगा दूंगी। और ये हमने पानी लगा दिया है, इसको अभी मैं 5 मिनट तक इसमें ढक्कन देके पकाऊंगी। मैंने अंगूर को 5 मिनट पका लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने किशमिश ली हुई है और चीनी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब फिर मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी। अब ये हमने 2 मिनट चटनी को पका लिया है, अब हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होके परोसेंगे। अब ये हमारी व्रत वाली अंगूर की चटनी बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।